जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर और उसके टाइप्स के बारे में। तो ये बहुत ही खास वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके कौन-कौन से टाइप्स हैं, उनके क्या-क्या एडवांटेज एंड बेस्ट फीचर्स होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके आउटलाइंस या ओवरव्यू समझ लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, देन उसके बाद हम व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज, फंक्शन, पर्पज, एंड लास्ट में जब हम इसकी क्वालिटीज के बारे में कंपेयर करेंगे कि फर्स्ट कंप्यूटर क्या होते हैं, मतलब सेकेंड जनरेशन के टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप्स के जो कंप्यूटर हैं, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या रहा है और किस तरह से ये सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से अलग हैं, एंड लास्ट में एक कंक्लूजन निकाल के देखेंगे कि ओवरऑल हमने इस टॉपिक में क्या अ सीखा। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इट कैन एक्सेप्ट डेटा एंड एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट। सो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ इनपुट यूनिट। बेसिकली देखा जाए तो कंप्यूटर क्या काम करता है, तो ये इनपुट लेता है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है ये यूजर से इनपुट लेता है, देन उसको प्रोसेस करने का काम करता है, एंड लास्ट में ये इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद जो इसका थर्ड पार्ट होता है, आउटपुट प्रोड्यूस करना। सो आप बेसिकली देख सकते हैं कि ये हमारा जो मॉनिटर है, ये हमें डेटा को शो करने का काम कर रहा है, इसमें कीबोर्ड जो है यूजर से इनपुट लेने का काम कर रहा है और माउस जो है यूजर से इनपुट लेने का काम कर रहा है, और साथ ही साथ जो हमारा सीपीयू होता है वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है जो भी यूजर दे रहा है। फ्रेंड्स, यही है बेसिक डेफिनेशन कंप्यूटर की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि ये तो बेसिकली देखा जाए तो कंप्यूटर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, बेस्ड ऑन साइज। तो बेस्ड ऑन साइज में देखा जाए तो मिनी कंप्यूटर, आपका माइक्रो कंप्यूटर आ जाता है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर के टाइप्स बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग होते हैं फ्रेंड्स। एंड सेकेंड टाइप जो होता है बेस्ड ऑन पर्पज। पर्पज मीन्स उद्देश्य। तो उद्देश्य के आधार पर या पर्पज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेसिकली टू टाइप्स के कंप्यूटर देखे जाते हैं, एक जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं और कुछ स्पेशल पर्पज होते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं और एक फिगर के माध्यम से ओवरऑल इसका ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। सो थर्ड पार्ट होता है फ्रेंड्स बेस्ड ऑन फंक्शंस। फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, कार्य के आधार पर देखा जाए तो कंप्यूटर थ्री टाइप्स के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। सो बेसिकली थ्री पार्ट्स में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है कि साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं या कितने टाइप्स होते हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर फ्रेंड्स, ये देखिए। इसके बाद हमारा मिनी कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर हो गया, एंड इसके बाद हमारा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड लास्ट आता है सुपर कंप्यूटर। तो ये फोर टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या है, सुपर कंप्यूटर है। सो बेसिकली फोर टाइप्स के कंप्यूटर हैं। अब चलिए इनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी क्वालिटीज़ क्या कहती है। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज़ के अकॉर्डिंग जो चार तरह के कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, इनकी क्वालिटीज़ क्या कहती है फ्रेंड्स, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, यानी कह सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो नाउन एज पर्सनल कंप्यूटर, इसे हम पीसी भी कहते हैं। इट इज अ जनरल पर्पज कंप्यूटर डैट इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज, के लिए जो किसी एक काम के लिए बनाए जाते हैं, किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के उद्देश्य बनाए जाते हैं, उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। 1970 में इसके डेवलपमेंट में काफ़ी तेजी आई और काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। सो सेकेंड पार्ट होता है फ्रेंड्स हमारा मिनी कंप्यूटर का, यानी कि मिनी कंप्यूटर जो होते हैं मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होते हैं। इट इज अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर प्रोसेसर्स एंड सपोर्ट 200 यूजर एट अ वन टाइम। सो एक साथ मल्टीपल काम या मल्टी टास्किंग के लिए जो हमारा मिनी कंप्यूटर
इसको लॉन्च किया गया है। अगर सिंगल यूजर के लिए है तो वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर, अगर मल्टीपल यूजर उसमें वर्क कर पा रहे हैं तो उसे हम मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। अगर एक तरफ हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, दूसरी तरफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो जो सेंट्रल लेवल का कंप्यूटर होगा वो हमारा मिनी कंप्यूटर होगा। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप्स के, जो बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले देखते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या कहलाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू सपोर्ट हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। एक साथ अगर हंड्रेड्स यूजर्स को हम सर्विस प्रोवाइड करना चाहें तो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू इजीली कर सकते हैं। दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम को भी ये सपोर्ट करता है, मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। इट मीन्स दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेस साइमल्टेनियसली। बहुत सारी मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जिनको ये साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जीक्यूट कर पाता है और डील कर पाता है। मल्टीपल मल्टीटास्किंग के लिए एज ए सर्वर के रूप में काम करता है, मल्टीपल यूजर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और बिग कंपनी जो होती हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो यहाँ इसका यूज होता है, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का यूज होता है। फोर्थ पार्ट होता है फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर का। तो सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स। दे कैन डिजाइन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनकी स्टोरेज और कैलकुलेशन पावर इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट कि हम कह सकते हैं कि उससे हम इन फ्यूचर आंकड़े लगाने के लिए, जैसे मौसम विज्ञान में जो ज़्यादातर यूज होते हैं, मॉनिटरिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, और रिसर्च सेक्टर में अगर हम देखें तो सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। जो सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड। इट हैज़ थाउजेंड ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स। बहुत सारे प्रोसेसर मिलकर के, बहुत सारे प्रोसेसर हो गए, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, तो ये सारी चीज़ें ये सुपर कंप्यूटर में होती हैं, जो रिसर्च यानी हमारे इसरो नासा जैसे स्पेस मिशन में इसका यूज होता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हमारे बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर के क्या क्या टाइप्स हैं और उनकी क्या क्या एडवांटेज हैं एंड उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन फंक्शन। नंबर वन एनालॉग कंप्यूटर, नंबर टू डिजिटल कंप्यूटर एंड नंबर थ्री फ्रेंड्स हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए अब मूव करते हैं इनकी क्वालिटीज के ऊपर कि इनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर में। तो एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग डेटा में कैलकुलेशन होती है। कह सकते हैं एनालॉग्स कंप्यूटर आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा इज कंटिन्यूस डेटा दैट कैन नॉट डिस्क्रीट वैल्यू। इसमें थ्री टाइप्स के ऑपरेशन किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इट अलाउ रियल टाइम ऑपरेशन, यानी ये पल पल बदलता है, जैसे मौसम कहता ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, यानी मौसम में चेंजेसनेस बहुत जल्दी होती है, बहुत फास्ट होती है। ऐसे ही इसमें जो वैल्यू होती है बहुत जल्दी चेंज होती है, जैसे कि स्पीड। अगर हम बाइक चला रहे हैं तो अगर हम एक्सीलेटर जितना लेते जाएंगे उतनी स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी, और अगर डाउन कर देंगे तो स्पीड डाउन हो जाएगी। तो मतलब एक एक सेकेंड की अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें एनालॉग कंप्यूटर का यूज करना होगा। जैसे पेट्रोलियम के क्षेत्र में, यानी पेट्रोल को नापने के लिए जो पेट्रोल मशीन होती है, स्पीडोमीटर होता है यानी स्पीड को नापने के लिए, थर्मामीटर होता है टेम्परेचर को नापने के लिए, तो ये सब एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली देखा जाए तो वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें डिजिटल सिग्नल्स का यूज होता है, जैसे बाइनरी डेटा। तो जैसे हम जानते हैं हमारा कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर, जिसे शॉर्ट में पीसी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कंप्यूटर क्या होते हैं, ये डिजिटल इनपुट लेने का काम करते हैं। डिजिटल इनपुट में ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में आएंगे, यानी जीरो और वन के फॉर्मेट में आएंगे, और वही जीरो वन के फॉर्मेट में ये डेटा को जो है एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू, एंड जो आउटपुट भी प्रोड्यूस होगा वो भी बाइनरी के रूप। डिजिटल कंप्यूटर जो सेकेंड टाइप है बेस्ड ऑन फंक्शन के अकॉर्डिंग। सो बेस्ड ऑन फंक्शन में जो स्पीड मैटर करती है, यानी डिजिटल कंप्यूटर में सबसे पहले तो स्पीड ही देखी जाती है कि वो कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर पाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड।
उसके साथ साथ फ्रेंड्स दूसरी जो क्वालिटीज़ है डिजिटल कंप्यूटर की, जो हमारा जो इसमें अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी एक डिजिटल कंप्यूटर ही है, तो एक्सेप्ट बाइनरी डेटा ओनली। तो डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। तो स्पीड हो गया, बाइनरी डेटा ही एक्सेप्ट करेगा एंड स्टोरेज जो कैपेसिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं आप स्टोर कर सकते हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी इसमें पाई जाए। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो वे कंप्यूटर जो कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिलाकर बनाया गया है या डिजाइन किया गया है वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। जैसे फ्रेंड्स कह सकते हैं यहाँ देखें तो हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, जो जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों की क्वालिटीज हों, वही तो हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ भी मैंने लिखा एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर इज इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर। सो इट कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वैल्यू, इट एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट दैम इंटू डिजिटल सिग्नल्स या डिजिटल फॉर्मेट। इसी के साथ ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो कह सकते हैं अब मूव करते हैं फ्रेंड्स हमारे बेस्ड ऑन फंक्शन के अकॉर्डिंग यानी पर्पज़ के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड टाइप है फ्रेंड्स कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पज़। तो बेस्ड ऑन पर्पज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, नंबर वन जनरल पर्पज़ कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। तो चलिए बात करते हैं हमारे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर क्या है एंड स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर क्या कहलाते हैं। तो आ जनरल पर्पज़ कंप्यूटर इज वन दैट गिवन द एप्लीकेशन एंड रिक्वायर्ड टाइम शुड बी एबल टू परफॉर्म द मोस्ट कॉमन कंप्यूटिंग टास्क लाइक डेस्कटॉप नोटबुक एंड स्मार्टफोन। ये क्या होते हैं हमारे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कहलाते हैं। हमारा टैबलेट भी इसी का एक एग्जांपल है। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो जनरली यूज के लिए किया जाता है, जनरल काम के लिए यानी सामान्य कामों के उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर हो गया हमारा, लिखने के लिए नोटपैड हो गया, और स्मार्टफोन देखा जाए तो नॉर्मल कामों के लिए। सो आज के समय में तो वैसे स्मार्टफोन बहुत सारे काम करता है, लेकिन पहले जो यूज होता था मेनली देखा जाए तो मैसेज के लिए या कि फिर टेली कम्युनिकेशन के लिए यानी कि बात करने के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर सेकेंड टाइप है, यानी पर्पज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेकेंड टाइप है स्पेशल पर्पज़ एंड कंप्यूटर्स। सो स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर आर डिजाइंड फॉर वन स्पेसिफिक टास्क आर क्लास ऑफ टास्क एंड वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म जनरल कंप्यूटिंग टास्क। तो काम के लिए यानी किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए जो है डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन्हें स्पेशल पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें हम देखें तो हमारी डायलिसिस मशीन जो आती है तो वो भी हमारे स्पेशल पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स ये रहा ओवरव्यू, यानी कि बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन पर्पज़ एंड बेस्ड ऑन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने जाना कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इनकी क्वालिटीज यानी फीचर्स के बारे में। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैनी फीचर्स जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो देखा जाए तो स्पीड, तो कंप्यूटर इज वेरी फास्ट मशीन, दे आर कैपेबल फॉर प्रोसेसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट हाई स्पीड, यानी एक अच्छी स्पीड के साथ आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा विथ एक्यूरेसी। तो ये इसकी क्वालिटीज हैं। दूसरी इसकी क्वालिटीज है फ्रेंड्स एक्यूरेसी, इसका मतलब होता है शुद्धता, यानी कहा जाता है एक जो भी मिस्टेक होगी फ्रेंड्स वो यूजर की हो सकती है कंप्यूटर की नहीं, मशीन वही करेगा जो यूजर उसको इंस्ट्रक्शन देगा। तो एक्यूरेसी कंप्यूटर में बहुत ही अच्छी पाई जाती है। इट कैन ऑपरेट इन द बाइनरी सिस्टम ऑफ जीरो एंड वन के फॉर्मेट में। तीसरी क्वालिटीज है इसकी रिलायबिलिटी, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। रिलायबिलिटी रिफर्स टू इट्स एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली परफॉर्म इट्स प्लेस्ड फंक्शन विदाउट एरर एंड फेलियर्स। फ्रेंड्स जो चौथा इसका एडवांटेज है या कि कह सकते हैं क्वालिटीज है फीचर्स है वो है बैकअप एंड रिकवरी। तो ये इसमें जो है बहुत ही हाई स्टोरेज कैपेसिटी पाई जाती है, तो ये इसमें हम बैकअप भी ले सकते हैं अपने डेटा का और एक लॉन्ग टाइम के बाद भी हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर पाएंगे। तो यही कुछ कंप्यूटर की क्वालिटीज थी जो आज हमने जाना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, थैंक यू सो मच गाइज।